हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निज्जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। जीएसटी पोर्टल पर एक जो है न्यू अपडेट को एनेबल किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है जितने भी जीएसटी यूजर्स है उनको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर जो है जीएसटी पोर्टल पर जो है एक नया ऑप्शन को एनेबल कर दिया है। जब आप सर्विस में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पर जो है पहले नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट फॉर कंपोजिशन डीलर्स अवेलेबल था, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये लेजर के लिए जो बैलेंस मिलेगा वो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। इसके लिए जो है आपको अब नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट के लिए अलग से लेजर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है क्या सिचुएशन हो सकती है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। जैसे आप GSTR 1 फाइल करते हैं, GSTR 3 भी फाइल करते हैं, तो GSTR 1 में अगर आपका जो है इस बार किसी भी मंथ के लिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका जो है मई में जो है सप्लाई जो है वो 100 रुपीज की है, ठीक है, तो 100 रुपीज प्लस GST आएगा। और उसमें अगर आपका क्रेडिट नोट इशू कर दिया आपने और वो आपका 150 का है, तो 150 प्लस GST, उसकी वजह से जो नेगेटिव लायबिलिटी की प्रॉब्लम आती थी यहाँ पर वो इन्होंने रिजोल्व की है। तो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू जो है इसकी रिपोर्टिंग होने वाली है। तो आपको चीज ध्यान रखना है, जब आप इस रिटर्न के अंदर में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज एंड टैक्स ITC कंपेरिजन वाला, जब इसमें जाएंगे तो आप चेक कर लेना वहां पर जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका डिफरेंस रह रहा हो। क्योंकि अगर आपका कोई किसी भी साल में कोई इस टाइप का डिफरेंस अगर रह गया है GSTR 1 3B में, तो उसमें क्या हो सकता है आगे चलकर आपको नोटिस आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट के लिए इन्होंने अलग से लेजर प्रोवाइड कर दिया, तो उस चीज का रिकंसिलेशन करना भी ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए, जैसे आपका GSTR 1 का डाटा है 3B का मैच होके यहाँ पर आना जरूरी है, लेकिन काफी बार ऐसा केस भी होता है कि आपकी जो लायबिलिटी आ रही है वो तो IGST की आ रही है और जो आपके क्रेडिट नोट है वो CGST या GST के, तो आपस में जो है उस अमाउंट तक जो कि मैंने भी आपको एग्जांपल लिया था 100 और 150 का, तो जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होंगी। तो यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसी के लिए यहां पर ये अब नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन एनेबल किया गया है। लेकिन इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो नेगेटिव शो करेगी। लेकिन अगर लायबिलिटी नेगेटिव शो कर गई किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, तो क्या वो नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिकली जो अपडेट होगी? तो इसके लिए यहाँ पर जो ये लेजर्स में ये ऑप्शन है ये केवल पहले कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए था, अब इसको यहाँ पर जो है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए भी एनेबल किया गया है। लेकिन अभी जब तक ये पर्टिकुलर लेजर जब तक हमें यहाँ पर दिखना शो नहीं करता है, मतलब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आ रहा है, कैश लेजर आ रहा है, क्रेडिट लेजर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिवर्स ये जो रिक्लेम स्टेटमेंट वाला है ये सेपरेट है, तो उसके अलावा जो नेगेटिविटी लायबिलिटी वाला लेजर है वो आपको अलग से शो करेगा। मतलब जो आपकी नेगेटिव लायबिलिटी होगी किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर वो आ रही होगी तो यहाँ पर आपको जो है शो करेगा। जैसे कंपोजिशन डीलर्स के लिए कर देती है अगर उन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न को गलत फाइल किया हो, तो आपको जो है GSTR 1 और 3B फाइल करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी लायबिलिटी जो कि आपकी सेट ऑफ हो रही है क्रेडिट नोट से डेबिट नोट से, उसका जो एडजस्टमेंट है वो आपको खुद से नेक्स्ट रिटर्न में डालना है। मैं भी आपको यहाँ पर एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस वाले केस में क्या हुआ है, जो 3B और R1 है उनमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है वो नेगेटिव लायबिलिटी की वजह से आ रहा है कि R1 में जो डिटेल्स है वो तो एडजस्टमेंट होकर आ गई है, लेकिन 3B में जब टैक्स की बात आई तो वहां पर जो है कंप्लीट टैक्स जो है 3B में पेबल के लिए आया, तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो आपको मैनुअल करनी होगी। अगर आपने मैनुअल नहीं की तो फिर इससे आपको जो है इसको नेक्स्ट रिटर्न में रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये नया ऑप्शन यहाँ पर एनेबल हुआ है लेकिन इसका जो व्यू है वो अब यहाँ पर आना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही एनेबल होगा आपको फिर से अपडेट किया जाएगा। ये था लेटेस्ट वीडियो, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है GST इनकम टैक्स के, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सी अपनी जैन का नाम से चैनल मिल जाएगा। चैनल जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें या ना करें वीडियो जरूर देखें और आगे शेयर भी करें ताकि सभी को बेनिफिट मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।